हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसका फिफ्थ पार्ट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, और इन सब में क्या दिया हुआ है कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन का एक पेयर दिया गया है, जिसे आपको रिड्यूस करते हुए आपको क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर उसे सोल्व करके दिखाना है। तो स्टूडेंट, हमें कोई इस तरह की सुटेबल सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी जिससे ये पेयर ऑफ इक्वेशन किसके अंदर चेंज हो जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपको हम सोल्व करना सीख चुके हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में आप चेक करके देख सकते हैं कि हमने एल्जेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीख लिया था, हमने काफ़ी क्वेश्चंस इस पे कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ये हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर हम इसकी सुटेबल सब्सटीट्यूशन इस तरीके की करेंगे कि वो किस में चेंज हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। 7x माइनस में 2y अपॉन में अपना xy इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और 8x प्लस में 7y अपॉन में xy इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना है, 15। तो स्टूडेंट, ये आपकी फिफ्थ पार्ट की जो है स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है 7x माइनस 2y अपॉन में xy दे रखा है। तो स्टूडेंट, इसे हम सबसे पहले क्या स्टेप लेते हैं यहाँ पे, 7x, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में आपका xy है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 7x अपॉन में xy माइनस में 2y अपॉन में xy, मतलब डिनोमिनेटर को हमने अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया और कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी एज इट इज़। अगर हम यहाँ देखते हैं, x से x आपका कैंसिल होता है, तो 7 अपॉन में स्टूडेंट कितना बचता है y, और यहाँ से y कैंसिल होगा तो 2 अपॉन में कितना बचता है x, विच इज इक्वल्स टू 5, जो कि आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और स्टूडेंट, जैसे ही हमारी इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चेंज हो जाएंगी, तो हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, उसमें हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो सबसे पहले तो हमारा मेन काम यहाँ पे यही है कि हमें इसे क्या करना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको चेंज करेंगे। तो अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 8x अपॉन में xy प्लस में, तो स्टूडेंट ये अभी तक आपकी जो इक्वेशन ये फर्स्ट ही चल रही है, क्योंकि सिर्फ अभी हमने रिड्यूस किया है, कोई भी सुटेबल जो सब्सटीट्यूशन अभी इसमें करी नहीं है। तो 7y अपॉन में xy इज इक्वल्स टू स्टूडेंट आपका कितना है, 15। इसी तरीके से x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो स्टूडेंट 8 अपॉन में आपका कितना बचता है y, और प्लस में 7 अपॉन में कितना बचता है x इज इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अभी तो कोई भी चीज़ आपने यहाँ से पुट नहीं की है, कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं की है, तो इसका मतलब आपकी ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। तो ये बीच का जो पोर्शन है, इसे आप हटा लीजिए यहाँ से, क्योंकि अब हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपका 1/x है और जो आपका ये 1/y है, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, सूटेबल सब्सटीट्यूशन करेंगे, जिससे ये किसमें चेंज हो जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप लिख लीजिए जो आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो आप यहाँ पुट करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। तो स्टूडेंट आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 1/x या 1/y की जगह जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मतलब अगर आप pq रखना चाहते हैं तो आप pq भी रख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहें तो स्मॉल में लिख सकते हैं। मतलब इस नोटेशन से आपके क्वेश्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई वैल्यू मतलब आपकी इस तरह से ये होता है कि अगर आप नोटेशन कुछ भी रखें, आंसर आपका सेम आता है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर आप नोटेशन अलग रखते हैं, या हमने एक मतलब याद ही कर लिया कि मुझे पी क्यू ही पुट करनी है या ए बी पुट करनी है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत होती है, जैसे ही वो क्वेश्चन के अंदर कोई नोटेशन चेंज कर देता है तो बच्चों को ये लगने लग जाता है कि हमने तो इस तरह का क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हर नोटेशन के लिए आपको काम करना आना चाहिए, हमारे स्टेप्स हमें पता होने चाहिए और हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमें क्लियर होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन करते टाइम हम कोई गलती ना करें। तो इसलिए नोटेशंस का बड़ा ध्यान रखें, आप नोटेशन कुछ भी रखें आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। तो स्टूडेंट अब हम देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 7 है ये आपका, तो 7 इंटू में इसको 1/y लिख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से आपका 2y में x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 और इंटू में कितना है आपका 1/x। तो 1/y की जगह तो आप क्या पुट कर देंगे आपका b, और 1/x की जगह क्या पुट कर देंगे a। तो 7 इंटू में क्या हो जाएगा आपका b, और 2 इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका a। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा। अब हम किस तरह से लिखेंगे, 7 अपॉन में 1/y था तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 1/y था b, और माइनस में 2 इंटू में कितना था 1/x, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2a इज इक्वल्स टू कितना आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज़। तो अब स्टूडेंट किस तरह से लिखेंगे, अभी हमारी सेकेंड इक्वेशन जो थी इसको किस तरह से लिखेंगे, 8 इंटू में 1/y है तो 8 इंटू में कितना आ जाएगा b, और प्लस में कितना आ जाएगा 7 इंटू में 1/x है तो कितना हो जाएगा 7a इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 15। तो स्टूडेंट अब हमारे ये किस में चेंज हो गई, a और b जो आपके वेरिएबल्स न्यू वेरिएबल्स हैं,
और अब आपको किसके लिए सोल्व करना है क्वेश्चन को, ए बी के लिए सोल्व करना है। जब आपके ए बी सोल्व हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से अपने एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करके दिखाएंगे। तो हमें ऑटोमेटिकली निकालना कि आपने एक्स वाई निकालना है। अब हम इनको अगर लिखना चाहते हैं, ए जो है आपका वेरिएबल से पहले लिखना चाहते हैं और बी वेरिएबल को अगर आप बाद में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 2a प्लस का 7b। जैसे आप एक्स वाई में लिखते हैं तो x आप पहले लिखते हैं और y बाद में, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी इक्वेशन को अगर अपनी सोल्व करते हैं तो भी आप क्या करेंगे, अगर आप कोई भी मेथड यूज़ करते हैं तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। तो ये आपका इक्वल्स टू किसके 5, और ये आपने लिख लिया a 7a प्लस में 8b इज इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट ये आपने अगर कर लिया है तो अब हमें क्या करके दिखाना है, अब हम ये देखते हैं कि हम कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके भी, जो हम बार बार इसको हटाते हैं, आप लिख सकते हैं अपना। तो स्टूडेंट ये अपना आपका है, तो अब हम देखते हैं यहाँ से कि मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करूँगी। अब क्योंकि इसमें ना तो कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ ज़्यादा लार्जर दे रखी हैं, ना ही आपके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ज़्यादा लार्जर हैं। तो ये देखिए कि अगर मैं बी का कोफिशिएंट अगर सेम बनाना चाहती हूँ तो मुझे 7 दे रखा है, और बी का कोफिशिएंट सेकंड जो आपकी इक्वेशन है, मतलब ये आपकी जो आई है रिड्यूस होकर थर्ड इक्वेशन आई है स्टूडेंट आपकी, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो स्टूडेंट कौन सी आई है, आपकी फोर्थ इक्वेशन आई है। तो आप ये देखिएगा थर्ड इक्वेशन के अंदर बी के जो कोफिशिएंट है थोड़े लार्जर लग रहे हैं, एक में 7 है एक में 8 है। अगर सेम बनाना चाहेंगे तो एक इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को 7 से करना पड़ेगा। तो आपका कोफिशिएंट दोनों में सेम होकर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। पर अगर हम ए का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो हम एक इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, और दूसरे वाली को किससे कर देंगे स्टूडेंट, 2 से, क्योंकि फिर उस केस में कितना हो जाएगा आपका 14 बन जाएगा। तो माइनस का 2a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 5, और 7a प्लस में 8b इज इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप चाहते तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से भी कर सकते थे, या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्योंकि यहाँ पे फ्री हैं करने के लिए, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि आपको उसी मेथड से करना है। बट अगर आपको पेपर में बोल दिया गया कि आपको जिस मेथड से करना है अगर आप उसी से करेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको तीनों ही मेथड अच्छे से आने चाहिए। तो इसे स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई करना था 7 से, और इस इक्वेशन को करना था 2 से। तो ये अब आपकी बन जाती है 7 × 2 = 14a, ये आ जाता है आपका यहाँ से 49, और ये बचता है आपका 35। तो स्टूडेंट अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, अब ये आ जाता है आपका 14a मल्टीप्लाई होकर 2 से, ये हो जाता है स्टूडेंट आपका 16b, यहाँ पे आपने b लिखना है, और ये आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कितनी हो जाती है आपकी 30। अब क्योंकि आप देख रहे हैं साइन आपको पहले से ही अपोजिट दिख रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे ऐसे केस में जिसमें साइन अपोजिट होते हैं, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करके दिखाना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसमें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड, अगर आपके साइन होते सेम तो स्टूडेंट उस केस में आप क्या करते, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके लिखते ताकि आपके साइन क्या हो जाते, अपोजिट। अगर सेम साइन होते तो, अपोजिट हैं तो आप ऐड करके लिखते हैं, क्योंकि साइन पहले ही अपोजिट हैं तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, ए आपका यहाँ से एलिमिनेट होता है, और ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका 65b। और आपकी राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट है इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65। इसका मतलब स्टूडेंट आपकी बी की वैल्यू कितनी बचती है, 1। मतलब आपको बी की वैल्यू अपनी मिल चुकी है, और जो कि स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखी थी तो इनका नंबर अब आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने इनको मल्टीप्लाई करा है किसी कोफिशिएंट से या किसी कॉन्स्टेंट से, तो अब आपने इनको चेंज करके इनका नंबर लिख दिया 5th और 6th। स्टूडेंट ये इक्वेशंस के नंबर हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आपका अगर पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है, आपका टीचर है, उसे भी कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो इससे क्या होता है, पेपर जो चेक करना है वो आसान हो जाता है, यानी कि उसको कोई भी, मतलब आपको भी, अगर आप अपनी नोटबुक में कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप दोबारा से अगर उसे चेक करते हैं अपने क्वेश्चन को, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं रहती, आप फटाफट से अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं और जल्दी से समझ जाते हैं। और यही जो है टीचर के साथ भी होता है, तो आपको मार्क्स क्या हैं अच्छे मिलते हैं अगर आपका नीट एंड क्लीन काम होता है। तो स्टूडेंट इसलिए हम इसको नंबर्स बार बार देते हैं, चेंज करते हैं अपने नंबर्स को। तो स्टूडेंट अब क्या है कि अब जो बी की वैल्यू आपके पास आई है, या तो आप इसे थर्ड इक्वेशन में रखिए, या इसे आप फोर्थ में रखिए, या फिफ्थ में रखिए, या फिर आप किस में रखेंगे, 6th में रख सकते हैं। सेम आपकी ए की वैल्यू सभी इक्वेशन से वही सेम वैल्यू ए की आएगी, लेकिन हम 5th और 6th में पता है क्यों नहीं रखते, क्योंकि क्या होता है कि हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉन्स्टेंट से, तो क्या होता है कोफिशियंट्स और जो कॉन्स्टेंट्स है वो थोड़े लार्जर हो जाते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब बी की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन या फिर फोर्थ इक्वेशन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये आपका माइनस का 2a प्लस का आपका आता है 7b इज इक्वल्स टू 5। तो अब हमारी बी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई थी, 1, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2a, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 इज इक्वल्स टू 5। तो
तो माइनस का 2a इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना बचेगा, 5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 2 आएगा और ये आपका कैंसिल होगा, स्टूडेंट कितना हो जाता है, a की वैल्यू यहाँ से कितनी बचेगी आपकी 1। इसका मतलब आपका b भी इस केस में कितना आया 1 और a की वैल्यू भी स्टूडेंट कितनी आती है आपकी 1। तो दो आपकी जो वैल्यूज़ आ चुकी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमने यहाँ पे पुट किया था 1/x को, स्टूडेंट क्या लिखा था, a के इक्वल लिखा था, जो कि a की वैल्यू आपकी स्टूडेंट कितनी आई है 1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें चाहे रेसिप्रोकल करें, x की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट यहाँ से 1 के इक्वल आती है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने 1/y को क्या लिखा था, b के इक्वल पुट किया था और b की वैल्यू भी स्टूडेंट आपकी कितनी है 1। इसका मतलब आपकी y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से कितनी आ जाती है 1। चाहे आप रेसिप्रोकल करके लिखें या क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके लिखें, आपकी x और y की वैल्यू दोनों कितनी आ जाती हैं, 1 के इक्वल ही आ जाती हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो एक आपका छोटा सा काम और बचता है, अगर हम इक्वेशंस को वेरीफाई और कर लें तो मुझे लगता है आपके लिए ये आसान हो जाएगा कहना कि हाँ हमारा जो आंसर निकले हमारे करेक्ट निकले हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक नहीं की, आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर मिस्टेक की होगी तो आपकी इक्वेशन एक्स वाई की वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो आपको अपनी जो क्वेश्चन को दोबारा से चेक करके अपनी मिस्टेक को ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको फेयरली बोला जाता है तो आप इस काम को क्या करके दिखाएंगे, फेयर में करके दिखाएंगे, मतलब एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर। अदरवाइज क्या करेंगे, आप इसको रफली जरूर करके देख लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 और वाई की वैल्यू भी कितनी आई 1। तो 7 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 2। नीचे x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5। इसी तरीके से आपका जो ये पार्ट है, सेकंड पार्ट जो था आपका इक्वेशन का, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 को 1 से करेंगे तो भी 7। नीचे x मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी कि अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है 15। तो 8 और 7 को जब आपने जोड़ा तो स्टूडेंट कितना आ गया 15। इसका मतलब आपकी x और y की वैल्यू ने दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम 3.6 के जो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।